All right. Namaste ji, this is Manu again from Chartians, and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज मार्केट्स ने क्या किया और कल मार्केट्स क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमारा व्यू क्या था कल. हमारा व्यू था कि आज यू नो वी कैन एक्सपेक्ट अ साइडवेज टू बुलिश डे. ओके, बट यस, मार्केट्स वर साइडवेज टू बुलिश, बट व्हाट हैपेंड विद अस टुडे. ओके, हमने ये डाउन मूव कैप्चर किया, ये डाउन मूव कैप्चर किया, बट देन ये जो अप मूव आया लास्ट में, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये जो कैंडल के बाद वी विल कंटिन्यू गोइंग डाउन. ओके, बट दैट डिड नॉट हैपन. व्हाट मार्केट्स इंस्टेड डिड इज, मार्केट्स अगर आप देखोगे, हमने एक लेवल बना के रखा था जो गैप रीजन है 17,080. ओके, ये लेवल काफ़ी बार दिन में टेस्ट हो रहा था. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू ब्रेक. ओके, तो हमने यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ और ये फेक ब्रेकआउट हुआ, हमने एक शॉर्ट ट्रेड लिया फिर से, उसमें भी हमारा एसएलएट हो गया. ओके, सो टुडे ओवरऑल येस द व्यू वेंट राइट, बट आज हमारे ट्रेड्स होते वो नहीं चले बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी दैट वी सो अराउंड दीज लेवल्स. ओके, वी आर चेसिंग दिस ब्रेक, फेक ब्रेक आउट. ओके, वो भी फेल हो गया बिकॉज हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया. ओके, सो इट वॉज अ रेड डे फॉर अस, नो डाउट. ठीक है, कल ग्रीन था, आज रेड है. ओके, देखते हैं अब कल क्या होता है. ऑलराइट, नाउ ये हुई आज का बात. व्यू वेंट राइट, मार्केट्स वर साइडवेज टू बुलिश, बट अगर आप देखोगे, इवन दो इतने दिन का रेंज, यू नो मार्केट्स ट्राई टू ब्रेक टुडे, वो शॉर्ट कवरिंग जो एक्सपेक्टेड था वो निफ्टी में आई नहीं आज. ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, ये इतने दिन का रेंज यहाँ पे ब्रेक हो गया, बट कितना मोमेंटम आया, हार्डली 200 पॉइंट्स का मोमेंटम आया है बैंक निफ्टी में पोस्ट यू नो दिस रेंज गेटिंग ब्रोकन. ओके, सो वॉट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट यू नो सिंपल कि अभी भी कोई तो है जो चाह रहा है कि मार्केट्स ऊपर इतना जल्दी नहीं जाए. ओके, समवन इज ट्राइंग टू यू नो होल्ड ऑन टू हिज शॉर्ट्स, हिज और हर शॉर्ट्स. ठीक है, दे डोंट वॉन्ट मार्केट्स टू यू नो मूव अप सो सून. ओके, सो वॉट इज अ व्यू फॉर टुमारो. नाउ देखो, टुमारो सिंपल है व्यू मेरे हिसाब से, कल एक सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में. ओके, कहाँ से आ सकता है वो अभी देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या है वो पहले देख लेते हैं. चलो बैंक निफ्टी के पहले बात कर लेते हैं. बैंक निफ्टी में मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो ऑफकोर्स अब ये रहेगा जहाँ से ब्रेकआउट आया है. ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे पूरा रीजन. सो 39,650 ओके विल बी माई सपोर्ट इफ वी ओपन गैप अप. ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एसजीएक्स निफ्टी कुछ 20 या 30 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहा है. सो आई एम अज्यूमिंग कि अपन फ्लैट खुले. ओके, सो अगर अपन फ्लैट खुल रहे तो मार्केट्स में भी एक बार 40,070 ये जो पूरा रेजिस्टेंस है, अगर मैं देखूँ इसको अर्ली टाइम फ्रेम पे, आपको समझेगा क्यों ये रेजिस्टेंस है. ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट्स ने काफ़ी टाइम स्पेंड करके एक अच्छा मूव दिया था और यहाँ से एक ब्रेकडाउन भी आया था. सो 40,050 से लेकर 40,075 आप पकड़ के चल सकते हो, कैन एक्ट एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से यू नो एक सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में, क्योंकि मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज का अपमूव अगर आप देखोगे तो रिलायंस में यू नो रिलायंस वॉज द वन दैट वॉज ट्राइंग टू यू नो ब्रिंग दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग शॉर्ट कवरिंग बाई बाइंग इन टू रिलायंस. ठीक है, इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक्स में भी बैंकिंग स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी बाइंग हुई. दे ट्राइड टू यू नो अभी सबको पता है कि शॉर्ट्स किसके पास है. ओके, शॉर्ट्स FIIs के पास है. ओके, सबको पता है ये बात, कुछ नई बात नहीं है. ओके, एंड कौन ट्राई कर रहा है कि उनके शॉर्ट्स को कवर करने का, DIIs ट्राई कर रहे हैं, राइट, मतलब हमारी रिटेल पब्लिक जो HNI क्लाइंट्स है रिटेल, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि यू नो FIIs को भगाया जाए शॉर्ट्स कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग लाके. ओके, बट आज समहाउ दे मैनेज्ड टू नॉट लेट दैट हैपन. ओके, कल मेरे हिसाब से वो लोग बदला ले सकते हैं. मेरे हिसाब से वो लोग 40,075 के अराउंड, इफ मार्केट रिमेन्स ओवर ईयर, बी केयरफुल, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे आज. ओके, क्योंकि यहाँ से अगर एक सेल ऑफ आया तो मेरे हिसाब से वो सेल ऑफ फिर सीधा 39,400 तक जाके रुकेगा. ओके, सिमिलर इन द केस ऑफ निफ्टी, निफ्टी में क्या हो सकता है. निफ्टी देखो अभी भी एक बेयर ग्रिप में ही है. निफ्टी ज़्यादा आज अप मूव दिया नहीं कंपेयर टू यू कैन से हमारा बैंक निफ्टी. तो अगर निफ्टी में मेरे को अगर सपोर्ट देखना है तो मेरा सपोर्ट मैं इसको ही ले रहा हूँ, प्रीवियस डे लोज. ओके, मतलब आज के डे लोज को मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, विच इज 17,000 ऑड लेवल्स. ओके, एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या है. ये पूरा रीजन चलो मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, 17,188 मतलब 17,200 आप पकड़ के चल सकते हो इज माई रेजिस्टेंस फॉर टुमारो. ओके, सो वट इज माई एक्सपेक्टेशन कि टुमारो इवन इफ एनी अप मूव कम्स, वेट फॉर प्राइस एक्शन. ओके, आई एम सीइंग अ सेल ऑफ कमिंग टुमारो बिकॉज येस नो डाउट 16,850 एक बॉटम बनने का ट्राई कर रहा है. ओके, बट एक यू नो शेकआउट जरूरी है अगर मार्केट्स को वाकई ऊपर जाना है तो. ओके, सो टुमारो बी केयरफुल एट रेजिस्टेंस लेवल्स, आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेल ऑफ फ्रॉम देयर.
Okay. And Bank Nifty, the resistance is 40,075, 40,100 max, you guys can catch it. And Nifty, the resistance is 17,200. What will be the support? The support will be 17,030. And in Bank Nifty, the support will be 39,400, or the first support would be 39,680 or 650, you guys can catch it. Okay. Now, what happens if, you know, हमारा view wrong जाता है? हमारा view wrong जाएगा तो of course, उनको पता चलेगा कि, you know, एक 15 minutes की candle अगर 40,080 के ऊपर यहाँ पे चली गई, okay? तो then we can expect कि, you know, maybe markets यहाँ से एक, you know, up move दे सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक ही candle पे, पहले रुको, एक candle बनने दो, फिर एक थोड़ा pullback का wait करो, and फिर अगर market फिर sustain कर रहा है इसके ऊपर, then you guys can expect, you know, markets can go to 40,400 odd levels as well. Okay, but if you see this kind of candle forming over here somewhere, then you guys can expect कि, you know, a sell-off can come in the market tomorrow. Okay, similarly in the case of this, if markets go to 17,188 by any chance, okay, wait for price action getting formed over here. And if this kind of candle gets formed over here somewhere, you guys can short it. Your SL will be 17,200. And you guys can expect at least 17,080 jo hai. Ye to aap expect kari sakte ho. And then next target will be 17,020 ya 70. Ye jo pura gap hai 17,000 ka fill ho sakta hai kal. Okay, so that is it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. All right, this is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Bye.